ट्राई कर रहा हूँ अभी। ओ भाई बंदे का रिएक्शन है अपने ऊपर बेस्ट ऑफ लक का। साइकिल को मोड़ भी किसकी करवाने वो बाइक क्रैश होता। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम बैक टू दीपक वर्ल्ड व्लॉग्स। यार कल के दिन में व्लॉग ही शूट नहीं हुआ अपना, और आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया उसके लिए। गाइस अभी आगे दिखाते हैं स्टैंड पॉइंट पे पहुँच के। ओ भाई सुबह सुबह का सीन देख लो आप, बस सुबह सुबह बंदे आराम से मस्त में आ रहे हैं। मस्त में भी नहीं आना, आगे भी ध्यान रखना होगा। हम ब्लॉगिंग करते हुए ध्यान रखते हैं यार, किसी को कोई चोट ना पहुंचे, बस ये हमारा टारगेट पहले होता है। पूरी ब्लॉगिंग थोड़ी करनी है। तो गाइज आज मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, बता दूं मैं। और गाइज टायर में हवा कम है, और आगे करते हैं अभी स्टंट पॉइंट पर पहुँचते हैं पहले। हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। ब्लॉग का तो इंट्रो किया नहीं मैंने, घर से चलने के बाद में वहाँ से, और यार मार्केट में आके ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने वैसे तो। ठीक है गाइस, अभी देखो यार एको खड़ी इसके, और परसों क्या हुआ टायर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उसकी वजह से टायर का बैलेंसिंग है आगे का वो ख़राब हो रखा है यार। हवा वगैरह भी एकदम ठीक ठाक नहीं है यार, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो रखा है इसमें। तो यार मैं ऐसे सोच रहा था व्हीली वगैरह करते हैं, फिर इसमें हवा वगैरह आने के बाद में करते हैं व्हीली वगैरह, फिर बाद में बताते हैं आपको। लेट्स गो। और सबको राम राम जी मेरी तरफ से दिल से। ठीक है गाइज, ये अपनी एको भी यार बहुत ज़्यादा डस्ट में हो रखी, इसको क्लीन कराया था फिर भी उसके बावजूद भी डस्ट में है यार, काफ़ी डस्ट वगैरह आंधी वगैरह चलती है अपने राजस्थान में, उसकी वजह से यार। देखो चेक करो यहाँ पे कलर में अभी डिफरेंस आ गई, ये देखो चेक करो भाई, इतनी ज़्यादा डस्ट है, इसका कलर भी अलग ही दिखाई देता होगा आप लोगों को, हल्का हल्का वैसे डार्क है इसका कलर। चलो यार व्हीली वगैरह मारते हैं अभी। तो गाइज मैंने सुबह से एक भी व्हीली नहीं मारी यार आप लोगों को दिखाने के कारण, और अभी गाइज अभी चेक करना भाई व्हीली आपके भाई की कैसी क्या है, अभी ठीक ठाक तो है ना भाई, चेक करो गाइज भाई व्हीली देखो। ये देखो भाई पीछे वाला ब्रेक नहीं है ना, पीछे ज़्यादा पलटी खाने लग गई। ठीक है यार करते हैं फिर से एक सर्कल व्हीली ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो भाई सर्कल व्हीली में यार साथ में वैसे बंदा हो चाहिए होता है, बट अपने साथ कोई आता ही नहीं है यार। ओ भाई भाई चेक करो सर्कल व्हीली मार दी आज टैडी करके, वही मेरे को पता ही नहीं कैसे मारते हैं क्या भाई। देखो ऐसे थी अपनी साइकिल और इधर जाने लगे भाई, बढ़िया भाई बंदे का रिएक्शन है अपने ऊपर बेस्ट ऑफ लक का भाई, चेक करो फुल लोन। ये लो भाई स्लिप मारा और चलते हैं अभी, वो बंदों का गजब रिएक्शन होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा व्हीली वगैरह तो कर ली है, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, साइकिल को मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ मॉडिफिकेशन, और इसमें मॉडिफिकेशन में कोई नहीं यार, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसके जो ये व्हील वगैरह है वो टायर वगैरह उनको थोड़ा सा अलग यूनिक बनाने वाला है। हैंडल वगैरह है इसका जो क्या वो करवा देते हैं अपन, रैप वगैरह वो करवा देते हैं, और गियर वगैरह तो सही है ही, तो इनको भी थोड़ा वो होता है अलग ही करते हैं यार, थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं अपनी फैट बाइक को ताकि सबसे अलग लगे यार। इसको मॉडिफिकेशन कराऊंगा बहुत मस्त लगने वाली है। ठीक है यार फिर बस स्टैंड में जैसे चलेंगे यार, मैंने प्रैक्टिस वगैरह कर लिए यार। भाई अब चेक करो अभी भी नहीं मार रहे हैं नीचे चल के उधर, पब्लिक प्लेस में व्हीली मारना वैसे इलीगल है यार, अपन करके देखेंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ
आसमान ही मिला भाई, अलग ही मज़ा है व्हीली करने में। पब्लिक प्लेस पे तो अलग है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ओ भाई क्रैश होता अभी, बचा बचा। गाइस अभी व्हीली मारते हैं भाई, अभी देखना गर्ल्स के रिएक्शन, देखना। ओ भाई देखो भाई गर्ल्स के रिएक्शन, ओ भाई कितने क्रेजी रिएक्शन थे।